के दरभंगा में बम फटने से पूरा इलाका दहल गया। आपको बता दें, बम फटने से 20 से 25 घर ध्वस्त हो गए। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार के दरभंगा में बम धमाका हुआ है। आपको बता दें, दरभंगा जिले के आजमनगर मोहल्ला में ये धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि वहां के आसपास 20 से 25 घर ध्वस्त हो गए। जिनके घर में बम बनाया जा रहा था उनका नाम मोहम्मद नासिर आजम मोहल्ला निवासी है, जिनके घर में 3 बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस फोर्स की टीम पहुंचकर घटनास्थल की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हम लोग अभी सूचना मिली थी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र आजम नगर में एक घर में ब्लास्ट होने की संभावना बताई गई थी। पहले बताया गया था या तो गैस सिलेंडर है या कोई पटाखा बना रहा था। हम लोग पहुँचे, अभी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मिली हैं, वो देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो रस्सी सुतली बम टाइप होता है जो दिवाली में यूज़ होता है, उस प्रकार का ये घर में बना रहा था, उसी को लेकर के ब्लास्ट हुआ है। FSL की टीम हमने बुलवा ली है, बॉम्ब स्क्वाड भी बुलवा लिया है। सैंपल यहाँ से हम सारे कलेक्ट करवाएंगे। इस घर के 2 लड़के के घायल होने की बात आई है, उनको इलाज के लिए भेजा गया है और इस घर के 3 लोगों को डिटेन किया गया है थाने पे। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये लोग इस प्रकार की सामग्री यहाँ पे क्यों रखते हैं। सर, एक बड़ी बात ये है कि जिस तरह का क्षति हुआ है, आप देखने लग रहा मकान ही पूरा गिर गया और साथ ही अगल बगल के तमाम मकान भी क्षति है, कैसा लग रहा है देखने में क्षति, किस तरह का हुआ सर? देखिए, ये जिस घर में बना रहा था उसकी छत गिरी हुई दिख रही है और आसपास की भी जो छतें हैं उनमें कुछ काला काला धब्बा दिख रहा है। तो हम लोग ने इसीलिए FSL की टीम बुलाया है ताकि हम लोग ये देख भी लें कि यहाँ पे ये घर में कितनी क्षति हुई है और घर में ये लोग जो सामग्री यहाँ पे मिली है ये आखिर क्या चीज़ है, ये लोग क्या कर रहे हैं। धमाके से कितने लोग घायल हुए सर? अभी 3 लोग के घायल होने की सूचना है, वो इसके घर के ही रहने वाले लोग हैं, तो तीनों के इलाज के लिए ले गया है और इसके घर के 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो उनसे पूछताछ की जाएगी और FSL की टीम आती है, हम लोग सैंपल करेंगे। कुल कितने, इस बारे में अभी पता किया जा रहा है, इस बारे में अभी हम लोग स्पॉट पर पहुंचे ही हैं। हम लोग की छानबीन चल रही है पूरा करके हम लोग आपको। सर, जो जानकारी है, मेरे पास लोगों का जो आरोप है, ये पहले भी इस तरह का घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इस तरह, तो क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति में ये बम बनाने के दौरान मतलब ये कुछ तरह का घटना अंजाम दे, क्या इस तरह इस पर भी जांच करेंगे आप? देखिए, इस प्रकार की सूचना तो अभी पहली बार आई है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, उसके बाद हम अपडेट। सर, ये कोई आपराधिक इतिहास भी है पहले से क्या? ये अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी छानबीन में पता की जाएगी। बम विस्फोट से इनकार नहीं किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे ये किस प्रकार का बम बना रहा था, पटाखे वाला बम बना रहा था या किसी और मोटिव से बना रहा था, ये देखना पड़ेगा। जिस तरह से जांच किया जा रहा है, हम लोग ने CEO साहब को ही बुलवाया है ये पता करने के लिए कि जो पटाखे वगैरह स्टोर करके रखे जाते हैं क्या उसका लाइसेंस इसके पास था या नहीं था, और भी बाकी चीजों पे जांच। धमाका तो भरा हुआ है, ये तो जांच का भी विषय, हम लोग जांच कर, ठीक है।